Assalamu alaikum everybody. I just bought 1 year before the endowment policy from Mr. Anees. I love the way of his consistent follow-up and the complete and brief information he provided to us regarding to the insurance policy. So please, if you would like to do the endowment policy or any policy from State Life, Mr. Anees is the right person to go on. Thank you very much. स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जंग ऑफिस में डेथ क्लेम चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें जोनल हेड अकबर मुगल, सदर सीबीए जंग जोन चौधरी थमल हुसैन, अफजल मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर अली हस्तैन और मरहूम रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद की बेवा और डॉक्टर सोनिया जफर ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डॉक्टर तारिक सईद की हादसे में वफात के बाद स्टेट लाइफ ने उनके खानदान को 1 माह के करीब अरसे में जरूरी कार्रवाई के बाद 1,14,98,204 रूपए का चेक दिया। स्टेट लाइफ से दो पॉलिसियां इनकी तारिक सईद साहब की हुई थी, जो एक 50 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। स्टेट लाइफ एक्सीडेंटल डेथ में डबल क्लेम पे करती है, तो डबल क्लेम पे किया गया। एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन का कहना था कि डॉक्टर तारिक सईद की वफात पर पैदा होने वाला खला तो पुर नहीं हो सकता, तहम स्टेट लाइफ की जानिब से मिलने वाली रकम से अहले खाना की माली मामलत होगी। डॉक्टर तारिक सईद साहब डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर छांग के दुनिया से चले गए हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन स्टेट लाइफ की तरफ से जो माली मुआवनत उनकी की गई है, कम से कम इनके बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट जो बहुत उसकी हेल्पफुल साबित होगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जंग इंतजामिया ने इस बात का भी अहद किया कि इस माह के आखिर तक दीगर बीमादारों के क्लेम की रकम भी अदा कर दी जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, आज बचाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आपके प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल की खूबसूरत मंसूबाबंदी के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए महाना बचत सिर्फ 5,000 रुपए, पायलट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए महाना बचत 4,000 रुपए, नन्ही परी की रुख्सती के लिए महाना बचत 2,500 रुपए। मजीद खूबसूरत पैकेजेस की तफसीलात के लिए आज ही दफ्तर तशरीफ लाएं। रिटायर खवातीनों हजरात अपनी मसरूफियात के लिए फौरी राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जो हर शख्स करवा सकता है, और स्पेशली ये प्लान मैंने बनाए हैं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी कम है, तो आप उसमें भी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी एक चार्ट बनाई है और इसमें मैं आपको सेविंग करने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली सेविंग, मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको तहफ़ फ्राहम करता है और आपकी फैमिली को भी तहफ़ फ्राहम करता है। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर आप इनसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है आपकी जो भी ईयरली सेविंग होती है उसके मुताबिक आपको ये लाखों में और करोड़ों में प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा राइडर्स होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली सूरत में डेथ होती है, उस सूरत में कंपनी फैमिली को जो है अच्छा जो है तहफ़ देती है। प्लस अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं, जो आपने अमाउंट जमा की होती है उस अमाउंट का आप लोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ प्लान समझाता हूँ आपकी सैलरी के मुताबिक। दोस्तों, अगर आप कम से कम 10,000 रुपये मंथली भी अगर आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आप अपने पास 833 रुपये हर मंथ अगर उसको सेपरेट कर दें, निकाल दें, और अगर उसको आप साल में जमा करेंगे 833 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास साल के एंड में कितना हो जाएंगे, 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये की आप सबसे छोटी पॉलिसी ले सकते हैं, और इस पॉलिसी का रिटर्न क्या है, आफ्टर 20 ईयर्स 9 से 10 लाख रुपये आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो साल के आपको 10,000 रुपये निकालने हैं, आपको इसका रिटर्न मिलेगा 9 से 10 लाख रुपये। इसमें आपको और भी फैसिलिटी मिल जाती है, इसमें आप लोन ले सकते हैं, AIB FIB राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है, तो आप अपने पास जो है 1,666 रुपये के करीब अमाउंट जो है अपने पास जो है सेव करें, तो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगी वो 20,000 रुपये बन जाएगी। उस 20,000 रुपये में भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। 20,000 रुपये वाली अगर आप पॉलिसी लेंगे तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको 18 से 20 लाख रुपये।
अच्छा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अमाउंट जो है 18 से 20 या 9 से 10 लाख रुपए जो बता रहा हूँ तो ये फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है प्रॉफिट में अमाउंट अच्छी मिलेगी, अगर लॉस होगा तो आपको अमाउंट कम मिलेगी। पिछले 30 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में ही अमाउंट मिल रही होती है। अगर अब तक किसी को अमाउंट कम मिली है तो उसकी वजह उसकी अपनी खुद की जो भी उसने पॉलिसी वगैरह भरवाई होंगी, या तो उसने लोन ले लिया होगा या फिर उसने जो है लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया होगा या फिर जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको पैसे कम मिलेंगे। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बताया जाएगा आपको वही मिलता है इंशाल्लाह। ओके इसी तरह अगर आप साल के 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, यानी मंथली अगर आप अपने पास 2,500 रुपये सेव करते हैं तो आप जो है इसका रिटर्न 25 से 27 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं, और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये तो आप जो है 3,333 रुपये हर मंथ अपने पास सेव करेंगे तो आपके पास अमाउंट साल के एंड में 40,000 हो जाएगी, उस पर जो है आप 36 से 38 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 50,000 रुपये सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी होती है 50,000 रुपये, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये हर मंथ सेव करें तो आपके पास तकरीबन साल के एंड में 50,000 रुपये हो जाएंगे, उसका रिटर्न आपको मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो ये मैंने बेसिक बताए हैं पैकेजेस, इसमें हमारे पास इससे बड़े पैकेजेस भी हैं, और सबसे छोटा पैकेज है वो यही है 10,000 रुपये सालाना वाला। ओके बाकी जो पैकेजेस हैं वो इससे बड़े हैं, यानी लाखों में, 1 लाख रुपये वाले, 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, और उनका रिटर्न भी फिर करोड़ों में। तो अगर आप लोग पॉलिसी करवाना चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की साइड पर जाना चाहते हैं तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और पॉलिसी लें ताकि आपको काफ़ी अच्छा जो है इसका रिटर्न मिले और आपकी फैमिली को भी तहफ़ मिलता रहे। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप जो है 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं, उस लोन के अमाउंट से आप अपने जो भी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी वगैरह घर में तो उसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313-2618-209, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मेन शारे फैसल पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान बताऊंगा। ये प्लान जो है ये स्पेशल मैंने आज बिजनेस पर्सन के लिए और जिनका अपना कारोबार है या कोई शॉप वगैरह है उनके लिए बनाए। इसमें मैं आपको बताऊँगा काफ़ी आसान तरीके से आपको सेविंग करने का तरीका समझाऊँगा, और ये भी बताऊंगा कि आप सिर्फ डेली बेस पे छोटी छोटी सेविंग से जो है एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं आप या कोई शॉप वगैरह आपकी कोई कारोबार है आपका, तो आप डेली बेसिस पे अगर अपने पास 300 रुपये सेव करते हैं तो आपके पास जो है मंथली जो है आपके पास 9,000 रुपये के करीब अमाउंट हो जाएगी। और अगर उस अमाउंट को आप जो है एयरली मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से तो आपके पास तकरीबन 1,08,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। इस 1,08,000 रुपये के अमाउंट में आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं जिसका रिटर्न आपको जो है 1 करोड़ मिल सकता है। तो इस पॉलिसी में करना ये होता है कि सालाना बेसिस पे 1 लाख रुपये जमा करवाने होते हैं और आपको 20 साल के बाद जो है 1 करोड़ मिलते हैं। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई उसके ऊपर। इसके अलावा दौराने पॉलिसी खुदा ना खासा डेथ होती है तो आपकी फैमिली को डेथ क्लेम मिलता है, उसमें जो है 20 लाख रुपये प्लस जमाशुदा बोनस दिया जाता है। ये तबाही इंतकाल जो होता है नर्सल डेथ की सूरत में दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटली डेथ होती है खुदा ना खासा तो उस सूरत में फैमिली को जो कवरेज दी जाती है वो 40 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी आप जब चाहें जब ख़त्म करवा सकते हैं, 5 साल के बाद आप जब भी ख़त्म करवाएंगे पॉलिसी को तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 5 साल से पहले ख़त्म करवाएंगे तो याद रखिएगा पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेविंग करने का तरीका, एक अच्छी पॉलिसी है, इसमें आप साल के 1 लाख रुपये दें आपको रिटर्न जो है 1 करोड़ मिलेगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को,
अपने कारोबार से निकाल के, तो अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं साल के तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा 2 करोड़। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ या 2 करोड़, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। एस्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है रियल इस्टेट के कामों में होती है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि रियल इस्टेट में पिछले 30 साल से फ़ायदा ही हो रहा है। तो जिस तरह रियल इस्टेट में फ़ायदा होता है, इसी तरीके से एस्टेट लाइफ इंश्योरेंस को भी फ़ायदा होता है। और वो जो भी उसका प्रॉफिट उसके पास आता है, वो अपना सारा प्रॉफिट अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो 1 करोड़ जो अमाउंट बताई जा रही है, ये फोरकास्टिंग करके बताई जाती है। तो अब तक जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सारे डाउट क्लियर कर दो, ये 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं, ये 90 लाख भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आपकी ज़्यादा सेविंग है, तो अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं तो 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिल सकता है 3 करोड़। अच्छा, जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी सालाना पे करने की, इसी तरीके से सम इश्योर्ड अमाउंट जो आपको, जो फैमिली को जो तहफ़ दिया जाएगा, उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपये साल के देते हैं और खुदा ना खासा दौराने पर डेथ होती है, तो फैमिली को कवरेज जो दी जाएगी वो 60 लाख रुपये जमा शुदा बोनस दिया जाएगा, और एक्सीडेंटली कवरेज जो होगी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 4 लाख रुपये पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 4 करोड़, और अगर आप साल के 5 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 5 करोड़, और अगर आप 6 लाख रुपए पे करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा 6 करोड़, 7 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 7 करोड़, ठीक है। 8 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें रिटर्न आपको मिलेगा 8 करोड़, और 9 लाख रुपये अगर आप पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 9 करोड़। इसी तरीके से अगर आप साल के 10 लाख रुपए पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे पूरे 10 करोड़। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। उसमें ये चीज़ें क्लियर करनी है मुझे कि जो मैंने 1 लाख रुपए साल के बताया है, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए साल के बताया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। आपकी जो भी एज होगी, 18 साल से लेकर 55 साल तक के दरमियान की जो भी एज होगी, उसके मुताबिक ये पैसे होंगे। ये 1,08,000 रुपये भी हो सकते हैं, 1,12,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी हो सकते हैं। आपकी जितनी उम्र होगी उसके मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपसे प्रीमियम की अमाउंट चार्ज करेगा, और उसका रिटर्न जो आपको बताया जाएगा वो उसका रिटर्न मिलेगा आपको। ओके, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनका अपना कारोबार है और जिनकी अपनी शॉप है, तो वो इस कैलकुलेशन को देखें कि वो साल के 1 लाख रुपये अगर पे कर रहे हैं तो उनको अपने पास माहाना कितनी सेविंग करनी है और डेली कितनी सेविंग करनी है। अगर वो डेली छोटी छोटी ये सेविंग करेंगे तो इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस फैमिली को भी तहफ़ दिया जाता है इनके खुदा ना खासा अगर कुछ हो जाए। इसके अलावा अगर बीच में आपको लोन चाहिए तो आपके अपनी अमाउंट से 80% लोन मिल सकता है। उस लोन की मदद से आप अपने अगर बिजनेस में खुदा ना खासा कोई क्राइसिस आते हैं तो उसको आप फिलअप कर सकते हैं, या अगर बच्चे की शादी करनी है, या फिर कोई कारोबार वगैरह रन करना है, इसके अलावा कोई बच्चे को हाई एजुकेशन वगैरह दिलवानी, तो उसमें भी इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। लोन आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए। आप 3 साल के बाद भी ले सकते हैं, 5 साल के बाद भी ले सकते हैं, 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई पॉलिसी को 10 साल में ख़त्म करना, तो आप कर सकते हैं, सिलेंडर कर सकते हैं। सिलेंडर वैल्यू जो भी बनती होगी उस वक्त की, वो आपको दे दी जाएगी। याद रखिएगा पॉलिसी 20 ईयर्स की है, उसको जब भी पहले ख़त्म करेंगे तो अमाउंट आपको, प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। ओके, तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप पॉलिसी ले सकते हैं। और याद रखिएगा 5 साल के बाद जब भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल से अबव जैसी जाएगी, आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं, बड़ी पॉलिसी, या जिनकी जो इससे छोटी पॉलिसी करवाना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, 03132618209। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिटेल ले सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, खुद आएँ, ऑफिस विजिट करें, सेटिस्फाई हों, हमसे तमाम चीज़ें समझें। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो पॉलिसी करवाएँ, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है।
आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।